ये खबर अचंभित करने वाली है क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात और दावे करते हैं, मगर कानून व्यवस्था किस तौर पर है, पुलिस अधिकारी किस तौर पर काम करते हैं कि अपराधियों के दिलो दिमाग में खौफ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी ताजा मिसाल जो आज लखनऊ से सामने आई और हमने इसीलिए न सिर्फ लिखा बल्कि आपको कहा कि घबराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। गोमती नगर का इलाका, लखनऊ का सबसे पॉश इलाका, जहां के एक छात्र की बदमाशों ने चाकू से गोद करके हत्या कर दी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में इस किस्म से अपराधियों ने, बदमाशों ने एक छात्र का पीछा किया, उसके गाड़ी के शीशे तोड़े, उसके ऊपर लगातार, तस्वीरें देखिए, एक गाड़ी ब्लू कलर की खड़ी है, पीछे से सारे शीशे उसके टूटे हुए हैं और इस तरीके से उन अपराधियों ने चारों तरफ से गाड़ी के शीशे तोड़ करके उस गाड़ी में बैठे हुए छात्र की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का सबसे पॉश इलाका गोमती नगर की ये खबर, गोमती नगर की यह वारदात है। गोमती नगर में बीबीडी इंस्टीट्यूट का वो छात्र बताया जा रहा है। हालांकि इस वक्त अब पुलिस वहां पर न सिर्फ तफ्तीश बल्कि बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। अलकनंदा अपार्टमेंट है, गोमती नगर के अलकनंदा अपार्टमेंट से यह खबर, जहां पर बीबीडी के छात्र की हत्या कर दी गई बड़ी निर्मम तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से बदमाशों ने उस छात्र को चाकू से गोद करके बुरी तरीके से तड़पा तड़पा करके उसे मारा है। मगर आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरी वारदात को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। हम कोई चोर बदमाश नहीं है, हमें आप जाने दीजिए, हम भी ऐसे नहीं, जो प्रोसेस है आप पूरा करिए फिर आप जाइए। फिर हमने गार्ड से बोला कि आप इंटर काम करके मैम से कंफर्म करिए, फिर इसके बाद इनको भेजिए। ठीक है, तब तक ये बाइक से उतर के, बाइक बाहर ही खड़ी करके दो लोग अंदर आ गए, तो हमारे ऊपर ऐसे करना चाहे थे हम कि ठीक है सर, हम आपको रोक नहीं रहे लेकिन आप कन्फर्म करिए, फिर इसके बाद फिर इसके बाद हम इधर चले आए। इसके बाद ये इनोवा आई, इनोवा में दो लोग बैठे थे, एक ड्राइवर एक जिसको मारा गया, तो उसको बैठे थे तो वो कांच खोल नहीं रहा, कांच खोल लेकिन कांच नहीं खोला, हाथ से मारा, कांच टूट गया, इसके बाद उसने फिर